हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन इन इंजीनियरिंग नोट्स सीन। आज मैं आपके सामने यूनिट वन जो हमारा है थर्मोडायनेमिक का फर्स्ट यूनिट है अकॉर्डिंग टू CBCS पैटर्न। उसका सेकंड टॉपिक है, सेकंड ट्यूटोरियल है हमारा, ये इंटरनल एनर्जी पे हम बात करेंगे इस ट्यूटोरियल में। स्पेसिफिक हीट क्या होती है, इंटरनल एनर्जी क्या है, देन फर्स्ट लॉ ऑफ क्या है, देन हम पहुंचेंगे थर्मोडायनेमिक के कुछ प्रोसेस में, दैट इज़ नॉन फ्लो प्रोसेस। नेक्स्ट में हम उसे पढ़ेंगे। पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट हमें पता होना चाहिए इंटरनल एनर्जी। तो हम बात करते हैं इंटरनल एनर्जी क्या होता है, ठीक है। इंटरनल एनर्जी मीन्स दैट इज समेशन ऑफ ऑल द एनर्जी दैट इज समेशन ऑफ ऑल द एनर्जी दैट इज ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी वाइब्रेशन काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू इंटर एटॉमिक फोर्स ऑफ अ पर्टिकुलर थर्मोडायनेमिक सिस्टम इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी। क्या होता है इंटरनल एनर्जी? समेशन ऑफ ऑल द एनर्जीज, जितने एनर्जी होते हैं उन सबका सम, डेट इज ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी वाइब्रेशन काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू इंटर एटॉमिक फोर्स ऑफ अ पर्टिकुलर थर्मोडायनेमिक सिस्टम के लिए इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी। ओके, नाउ नेक्स्ट। इंटरनल एनर्जी दो टाइप के होते हैं हमारे, दैट इज काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। जब काइनेटिक एनर्जी किसी बॉडी का बढ़ेगा या फिर जब टेम्परेचर, आप बॉडी का टेम्परेचर जब बढ़ाओगे तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी, ठीक है। और पोटेंशियल एनर्जी जब इंक्रीज कराओगे तो क्या होगा, चेंज इन स्टेट। फॉर एग्जांपल किसी सिस्टम का अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, किसी सब्सटेंस का टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी। बट किस सिस्टम का आप पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा रहे हो तो वो क्या होगा, उसका स्टेट चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर ये सॉलिड, ये सब्सटेंस हमारा सॉलिड है, ठीक है, ये सब्सटेंस हमारा सॉलिड है, जब पोटेंशियल एनर्जी इसका इंक्रीज होगा तो ये किस में चेंज हो जाएगा, दैट इज इन लिक्विड, ठीक है। और जब और पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगा तो किस में चेंज हो जाएगा, गैस में, ठीक है। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट था इंटरनल एनर्जी का। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा एक अरेंजमेंट है, दैट इज पिस्टन, ठीक है, प्रेशर पी एक्ट हो रहा है, ये है हमारा सब्सटेंस और दैट इज मैटर इनसाइड द सिलेंडर, ठीक है। इसका इंटरनल एनर्जी U1 है, ठीक है, एट टेम्परेचर T1 पे, यू अंडरस्टैंड। जब आप इसमें हीट ट्रांसफ़र करोगे एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी जब आप इसे दोगे, दैट इज़ क्यू, आप जब इसे क्यू एक्स्ट्रा दोगे तो ये कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, ओके। तो आपने हीट जब इसमें दिया तो ये हीट, इसका इंटरनल एनर्जी पहले U1 था, इनिशियली टेम्परेचर T1 था, जब आप हीट देंगे तो ये मॉलिक्यूल्स के अंदर
क्या ये मॉलिक्यूल्स क्या करेगा, अपर फेस ये इस पिस्टन को अप की ओर ढकेलना चालू करेगा। इंटरनल एनर्जी ये एटम इसको दिया, ये इसको दिया, ये इसको दिया, ये जो बाउंड्री पे जो हमारे एटम्स हैं वो हमारे पिस्टन को ऊपर की ओर ढकेलने की कोशिश करेगा। तो इससे जो चेंजेस होगा, फॉर एग्जांपल इनिशियली ये था, इससे जो चेंजेस हुआ डेट इज एक्स, ठीक है, और ये क्या हुआ हमारा वर्क, हुआ वर्क डन ड्यू टू गैस, वर्क डन ड्यू टू गैस। तो इसकी इंटरनल एनर्जी यू टू हो गई एट टेम्परेचर T2 पे जब आपने हीट ट्रांसफर किया। तो आप इसे क्या लिख सकते हो, जो आपने हीट दिया क्यू किसके बराबर है, आपका जो इंटरनल एनर्जी चेंज हुआ है U2 - U1 प्लस वर्क डन भी हुआ है। जब आप हीट दिए हो तो वो किसके इक्वल हुआ, इंटरनल एनर्जी जो चेंज हुआ है एटम्स का उस वो प्लस जितना वर्क डन हुआ है आपका वो वर्क डन, ये है। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, दैट इज डेल यू प्लस डब्लू, ये क्या हो गया हमारा इंटरनल एनर्जी का। और इसे आप क्या लिख सकते हैं, डेल यू इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्लू। तो ये जो डेल यू है आपका इंटरनल एनर्जी, क्यू इज ए क्यू अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर टू द और हीट जो आप दे रहे हो, वर्क डन जो हो रहा है हमारे सिस्टम में वो। इसमें क्या है आपका, इसमें टोटल एनर्जी कांस्टेंट, टोटल एनर्जी जो है एनर्जी कांस्टेंट है, बट एनर्जी ट्रांसफॉर्म वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, उस प्रिंसिपल को हम क्या बोलते हैं, दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। यही हमारा है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। यहाँ पे तो हमारा इंटरनल एनर्जी का कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गया। नाउ नेक्स्ट आगे जरूरत पड़ती है, आप ये फॉर्मूला आपको याद होगा शायद, आप काफ़ी जगह देखा होगा, क्यू इज इक्वल टू एम सी वी डेल टी। ये सब क्या है, ये फॉर्मूला आपको एक्चुअली भूल गए होंगे कहाँ से आया, सी पी एंड सी वी का रिलेशन क्या है, स्पेसिफिक हीट क्या होता है, ये सब हम जान लें, देन थर्मोडायनेमिक स्टार्ट करेंगे। ओके तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, Cp क्या है स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, Cv क्या है स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। तो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, डेट इज Cv पे स्टडी करते हैं, ठीक है। ये हमारा कंटेनर हुआ, ये हमारा पिस्टन, ओके, इस पे प्रेशर P एक्ट हो रहा है, इसका टेम्परेचर कितना है डेल टी, वॉल्यूम V, हमने इसमें Q अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफ़र कर रहे हैं। Now, Q amount of heat given to the system to increase the temperature at all particle at del T, जब आप Q amount of heat transfer दोगे तो increase करेंगे container का, तो उसका जो temperature change होगा, जो temperature change है that is my del T, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं Q amount of heat हमने दिया तो उसकी internal energy del U हुआ plus work done W, ठीक है। तो ये कंटेनर क्लोज्ड है, क्लोज्ड कंटेनर है, आप इसमें हीट ट्रांसफ़र कर रहे हो, वॉल्यूम सेम कांस्टेंट है, जब आपका हीट टेम्परेचर चेंज हो रहा है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, जब वॉल्यूम कांस्टेंट है दैट मींस वर्क डन को हम पीडीवी भी लिख सकते हैं, जब वॉल्यूम आपका कांस्टेंट है, वॉल्यूम में कोई चेंजेस नहीं हो रहा है तो किसके इक्वल हो देयरफॉर जीरो, तो हमारा क्यू इज इक्वल टू डेल यू इक्वल हो गया, ठीक है। और हम जानते हैं Q इज इक्वल टू एम एस डेल टी वी होता है, क्या है M, क्या है नंबर ऑफ मोल्स और मास कंटेन इन द कंटेनर, S क्या है S यूज इन स्पेसिफिक और यूज इन ग्राम, डेल टी इज टेम्परेचर, ठीक है। तो Q इज इक्वल टू सी वी डेल टी, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन हो गया, ठीक है, और ये हमारा हो गया फर्स्ट इक्वेशन। Q इज इक्वल टू डेल यू इक्वल किया और Q इज इक्वल टू सी वी डेल टी स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम इनटू जो टेम्परेचर चेंज हुआ, वो क्या होता है जो हमारा हीट के इक्वल,
तो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन को आप जब इक्वल करोगे तो आपको मिलेगा डेल यू इज इक्वल टू सी वी डेल टी। ओके, देन सी वी क्या हो गया आपका, डेल यू अपॉन डेल टी। ये हुआ सी वी का रिलेशन। स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट वैल्यू इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। ओके, ये हमारा हो गया इसका रिलेशन। तो स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर सी पी का अब हम स्टडी करते हैं। ठीक है, तो ये कंटेनर हुआ, पी कॉन्स्टेंट है, वॉल्यूम उसका भी। जब आप हीट दोगे क्यू अमाउंट ऑफ हीट, तो मान लीजिए जो आपका मैटर है दैट इज नंबर ऑफ मोल्स कितना, 1 ग्राम ऑफ मोल, ये आपका मैटर है, 1 ग्राम ऑफ मोल आपका मैटर है। क्यू अमाउंट ऑफ, जब आप हीट दोगे तो जो मॉलिक्यूल्स हैं ये आपके पिस्टन से टकराएगा, पिस्टन से टकराएगा तो कोशिश करेगा पिस्टन को अप जाने के लिए, तो पिस्टन का प्रेशर कॉन्स्टेंट है तो ये अप जाएगा ही। ठीक है, तो टेम्परेचर इसमें जो चेंज होगा दैट इज डेल टी, टेम्परेचर इंक्रीज होगा अब क्यू अमाउंट ऑफ हीट दे रहे हो, तो जो टेम्परेचर T1 से T2 हुआ दैट इज माई डेल टी। ओके, तो जो क्यू अमाउंट इज इक्वल टू डेल यू इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन, और हम जानते हैं क्यू इज इक्वल टू एन एस डेल टी, और n इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल जो आपने लिया है। ठीक है, और q इज इक्वल टू सी पी डेल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर पे हमारा हो गया। ठीक है, तो ये दैट इज माई फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज माई सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, n इंटू s दैट इज सी वी। ओके, तो इक्वल कर दें, डेल u प्लस w इज इक्वल टू सी पी डेल टी। ठीक है, then cp is equal to cv, आप ऐसे लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ठीक है, cp del t, cp del t is equal to cv del t plus w, del u is equal to cv del t, लिख सकते हैं हम। देयरफॉर सीपी इज इक्वल टू सीवी डेल 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 टी से डेल टी कट जाएगा प्लस डब्लू अपॉन डेल टी। ओके ओके, अब इसे एक बॉक्स में हम यहाँ पैक कर लेते हैं, दैट इज माय थर्ड इक्वेशन। ओके, अभी हमने देखा था कि डेल यू इज इक्वल टू सीवी डेल टी होता है, तो हमने यहाँ पे पुट कर दिया। ओके, नेक्स्ट हम जानते हैं वर्क डन इज इक्वल टू पी डेल वी होता है वर्क डन। ठीक है, फॉर कॉन्स्टेंट प्रेशर डेल पी इज इक्वल टू जीरो, और पी इज इक्वल टू जीरो, देयर फॉर पी वी इज इक्वल टू आर टी। ओके, और पी डेल वी प्लस वी डेल पी इज इक्वल टू आर डेल टी। ठीक है, जब इसे आप करोगे इंटीग्रेट वैसे हो गया, और डेल पी आपका क्या है, जीरो है, डेल पी जब आपका सॉरी डेल पी जब आपका जीरो होगा, डेल पी जीरो हो तो आपका क्या बचेगा इक्वेशन, दैट इज पी डेल वी इज इक्वल टू आर डेल टी। पी डेल वी किसके इक्वल होगी, पी डेल वी किसके इक्वल हो गया आर डेल टी के, तो वो इस इक्वेशन को सी पी इज इक्वल टू सी वी प्लस वर्क डन को हम पी डी वी अपॉन डेल्टी लिख सकते हैं। देयरफॉर सी पी इज इक्वल टू सी वी प्लस पी डी वी इज इक्वल टू आर डेल्टी, आर डेल्टी अपॉन डेल्टी, डेल्टी से डेल्टी कैंसिल, सी पी इज इक्वल टू सी वी प्लस वन। ठीक है, और सॉरी आर, और सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर। ये हमारा सी पी और सी वी का रिलेशन आ गया। इस रिलेशन को हम लोग बोलते हैं मेयर्स रिलेशन। ठीक है, इफ आर, जो आर है इज टेकन एज जूल, अगर आर को आपने जूल में लिया है तो सी पी और जो सी वी होगा ऑल्सो टेकन एज जूल, सी पी सी वी को भी जूल में लेना पड़ेगा, या फिर यदि आपका सी पी और सी वी जूल में हो तो आर भी जूल में लेना पड़ेगा, अगर सी पी सी वी कैलोरी में हो तो आर भी कैलोरी के टर्म में आपको लेना होगा। ओके,
थर्मोडायनेमिक प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले एक लास्ट और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, डेट इज एंथैल्पी। एंथैल्पी क्या होता है? द सम ऑफ इंटरनल एनर्जी यू एंड प्रेशर वॉल्यूम प्रोडक्ट पीवी इज कॉल्ड एंथैल्पी एच। ठीक है, देयरफॉर एच इज इक्वल टू यू प्लस पीवी। एच इज इक्वल टू यू प्लस पीवी होता है मींस द सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड प्रेशर वॉल्यूम प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर वॉल्यूम इज कॉल्ड एंथैल्पी। ओके, ये हो गया हमारा। तो यहाँ पे हमारा ये ट्यूटोरियल का एंड पॉइंट था, एंथैल्पी यहाँ पे एंड होता है। नेक्स्ट में ट्यूटोरियल में हम इसका अगला टॉपिक पढ़ेंगे, यूनिट 1 का। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब इट।